राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है मुझे, फिल्म फेयर अवार्ड मिला है मुझे, जीवन ज्योति अवार्ड मिला है मुझे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से। उसके बाद मैंने बहुत सारी सीरियल्स की हैं। नारद के रोल में मैं बहुत मशहूर हुआ था, तो सिर्फ नारद के मेरे 3000 से ज़्यादा एपिसोड रहे हैं। पंजाब में मेरा एक बहुत हिट सीरियल था बानी इश्क दा कलमा, वो काफ़ी लोगों ने देखा है, नॉर्थ इंडिया में वो था। अभी दूरदर्शन पर मेरा एक सीरियल चल रहा है कलेक्टर बहू, वो आफ्टरनून ट्रांसमिशन में है, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। मैं सुरेंद्र पाल सिंह, आप सभी लोग मुझे जानते हैं कि मैंने महाभारत में द्रोणाचार्य का रोल किया था, फिर उसके बाद मेरे बहुत बड़े बड़े धारावाहिक बने हिंदुस्तान में, जिसमें चंद्रकांता, चाणक्य और शक्तिमान जो बच्चों में बहुत बहुत लग रहा है, इसमें मैंने किलविश का रोल किया था। और इन दिनों मेरे धारावाहिक चल रहे हैं देवों का देव महादेव, राजा रंजीत सिंह, स्टार प्लस पे चल रहा है जाना ना दिल से दूर, क्या कसूर है अमला का, और डीडी वन पे चल रहा है एमबीएस सरपंच। और मेरी अभी लेटेस्ट फिल्म रिलीज हुई थी रंगून, जिसमें मैंने राजा का रोल किया था विशाल भारद्वाज जी की, और गोविंदा जी के डायरेक्शन प्रोडक्शन में एक फिल्म बनी थी आ गया हीरो, उसमें मेन विलन की भूमिका निभाई थी। और इन दोनों यहाँ पर मैं एक एड की शूटिंग करने लुधियाना हूँ, पहली बार आने का मौका मिला है मुझे, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं।